तो भैया स्वागत है आपका फिर से क्रिकबाजी की एक और फ्रेश वीडियो में। और भैया अभी तो पहले आप सभी को हैप्पी होली। एक तो पता नहीं इस बार बड़ा ही कंफ्यूजन सा चल रहा है लोगों के साथ कि होली आज है कि कल है। बाहर भी अपन डाउट में निकल रहे हैं कि नाली में आज रौंदे जाएंगे या कल। बट कोई नहीं, अब भी शतक से दूर विराट कोहली है, बुरा ना मानो होली है। तो आप भी मन ही मन आग बन करके आभास करिएगा कि हमारे दोनों हाथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपके गालों पे अबीर और गुलाल मल रहे हैं। सुना PSL वाले IPL से चल रहे हैं। तो भैया बिना वक्त जाया करे चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि बड़े दिनों के बाद वो खबर आई है जिसे सुनने के लिए आंखें तरस रही थी और दिल धड़क रहा था। क्योंकि खबर ये है कि चेन्नई की जान जो देते हैं बड़े बड़े बॉलरों की फाड़ और जिसका नाम है ऋतुराज गायकवाड़, वो चेन्नई में वापस आ चुके हैं। और उनके लौटने के बाद से ही पूरा चेन्नई का कैंप बस अब यही कह रहा है कि देखो वो आ गया। और सुनने में आया है कि धोनी भरे दिल के साथ आते ही ऋतुराज के पास दौड़ते हुए गए और उन्हें गले लगा लिया और कहा, कहां था पगले, तेरे बिना हम कितने अधूरे रह गए थे मालूम है। ये बालाजी तो कोचिंग देने से मना कर रहा था, कह रहा था ऋतुराज आएगा तो ही कुछ सिखाऊंगा। 3 दिन तक उथप्पा तेरा मांस लगा के घूम रहा था, हमें भी लगा कि तेरा पेट कब से बाहर निकल गया। बट मजाक असाइड भैया, सच तो यही है कि ऋतुराज का इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस करे या ना करे, पर CSK वाले बड़े जोरों शोरों से कर रहे थे, क्योंकि वैसे ही वो दीपक चहर के नाम पे एक बड़े झटके से उभर रहे हैं। उसके बाद अगर ऋतुराज भी अपना राज वापस लेने चेन्नई के महकमे में नहीं आते तो ये तो गलत बात है ना। आज तो चेन्नई के खेमे में जश्न होगा और धोनी खुद कहेंगे कि सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो मामा की अपना गायकवाड़ आ गया है। अब बस चेन्नई को अपने दूसरे लाल दीपक चहर पे फाइनल अपडेट का इंतजार है। अगर वो भी थोड़ा सा जल्दी लौट आए तो चेन्नई एक्सप्रेस वापस ट्रैक पे दौड़ती हुई नजर आने लगेगी। पर जल्दी आए जिसे भी आना है, ये नहीं कि NCA में है अब भाग रहे हैं, अभी दौड़ रहे हैं, अभी टेस्टिंग चल रही है, प्लेयर है या कोरोना की वैक्सीन। बॉल डलवा के देखो, भाग के बंदा अगर डाल ले रहा है और स्विंग हो रही है तो भेज दो, हम तैयार हैं। वैसे अब अगर अपने कदम बढ़ाते हुए दूसरी बात की तरफ चलें तो भैया ये सुन के तो कसम से आपके आंसू आने वाले हैं, खुशी के, क्योंकि हम सबके चहीते दुलारे अखियों से गोली मारे हार्दिक पांड्या जी ने अपना फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है। और सिर्फ पास ही नहीं करा है बल्कि एकदम फुल मार्क्स के साथ पास किया है। सुनने में आया है कि वहां मौजूद फिटनेस टेस्ट लेने वालों की आंखें भर आई जब उन्होंने पांड्या से कहा कि भैया आप चाहे तो बॉलिंग ना कराएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर पांड्या ने कहा कि मैं कराएगा। वहां मौजूद सभी लोग मानो एक स्वर में कहने लगे कि देखो हमार पांड्या बॉलिंग करा रहा है, अरे हमार पांड्या बॉलिंग करा रहा है। और वहां के मैनेजमेंट ने बताया कि पांड्या ने काफी देर तक लगातार बॉलिंग कराई और एवरेज 135 KPH की स्पीड भी टच कर रहे थे। ये सुनके तो मेरी आंखें भर आई, क्योंकि कब से हम इंतजार कर रहे थे कि हार्दिक भाई कहां है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आगे बॉलिंग करेंगे भी या नहीं करेंगे, इंडिया में अब दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। पर पांड्या के फिटनेस टेस्ट में दिए गए परफॉर्मेंस ने मानो कहा कि अरे ऐसे कैसे, कुछ महीने हमने बॉलिंग क्या नहीं डाली, आपको लगा कि पांड्या लुल है। अब यही पांड्या IPL में पूरी फिटनेस के साथ अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों से चुल मचाने वाला है। और ऐसा हो गया तो भारतीय टीम में होगी फिर से पांड्या की घर वापसी, वापसी वापसी, पांड्या की होगी वापसी। वैसे जहां पांड्या भैया टेस्ट दे रहे थे वहीं अपने पृथ्वी शॉ भी फिटनेस टेस्ट दे रहे थे, पर हमार पृथ्वी बाबू सुनने में आया यो टेस्ट में फेल हो गए, बैक लग गई सुना। पर कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पृथ्वी भैया दिल्ली कैपिटल से रन बरसाते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। कौन रोकेगा उन्हें यार, है किसी की हिम्मत, क्योंकि भैया यो टेस्ट है, यहां भी बैक लगने पे या तो रीटेस्ट करवा देते हैं वरना पृथ्वी शॉ का तो अभी फर्स्ट ईयर ही चल रहा है, ग्रेस लगवा के पास करवा देंगे। बाकी इसके अलावा धोनी ने अपने पहले मैच से पहले एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर चेन्नई के ये 3 बैट्समैन ने अपने रंग दिखा दिए तो चेन्नई की बल्ले बल्ले हो सकती है। और कौन है वो 3 बैट्समैन, वो बताने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें कि क्या आपको गेम्स खेलना पसंद है, क्या हो अगर आपको दुनिया भर के लोगों के साथ लाइव गेम्स खेल के पैसे मिलने लगे, कमाल हो जाएगा ना। तो अगर आप भी इस कमाल का अनुभव करना चाहते हैं तो अभी जाएं डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेम्सी का ऐप डाउनलोड कर ले, क्योंकि वहां ऐसे ही कई कैजुअल गेम्स हैं जैसे लूडो, कैरम, 8-ball पूल, रमी, पोकर, क्रिकेट, जिन्हें आप लाइव दुनिया भर के लोगों के साथ खेल लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। और उससे भी कमाल की बात यह है कि ये सभी गेम्स आप जितना चाहे फ्री में भी लाइव खेल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप अभी डाउनलोड करें और चेकआउट करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी ज्वाइन कर लें जहां मैं अपने व्यूअर्स के लिए एक्सक्लूसिव ऑफर्स और गिव अवेज लाता रहता हूं। तो चेकआउट नाउ।
इस खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तो जैसा हमने कहा था कि माही भाई ने तीन प्लेयर्स का नाम लिया है जो अगर अपने रंग दिखा दिए तो चेन्नई धन्य हो सकती है, और वो तीन नाम हैं ऋतुराज गायकवाड़, अंबाती रायडू और रॉबिन उथप्पा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे जडेजा का नाम क्यों नहीं लिया, तो वो तो भाई मैं तुमको 10 वीडियो से बोलता आ रहा हूं, जडेजा का मान लिया जाता है कि ये तो अपना काम करेगा ही, वो बंदा ऑटो पायलट पे है, उसको बस मैदान में उतरने से पहले चाबी दे दो फिर 40 ओवर तक वो कूदता फाटता रहेगा मैदान में। फिर तुम मैदान के किसी भी कोने पे खड़े होके बोलोगे ना कि कोई है जो रन आउट करेगा, जडेजा कहेगा मैं हूं ना सर। फिर तुम कहोगे कोई है जो विकेट लेगा, जडेजा कहेगा मैं हूं ना सर। फिर तुम कहोगे कोई है क्या जो छक्के मारेगा, जडेजा कहेगा मैं हूं ना सर। मैं तो कह रहा तुम ये भी कहोगे ना कि कोई है क्या जो अंपायरिंग करेगा, कोई है क्या जो कमेंट्री करेगा, कोई है क्या जो अल्ट्रा हेड चेक करेगा, कोई है क्या जो डीएल मेथड को एक्सप्लेन करेगा, जडेजा तब भी कहेगा मैं हूं ना सर। बाकी आगे बढ़े तो एक और बहुत बड़ी खुशी की खबर सामने ये आई है कि साउथ अफ्रीका बोर्ड जो है वो अपने मेन प्लेयर्स को रिलीज कर देगा आईपीएल के लिए। हमको 1% भी भरोसा नहीं था कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका वाले ऐसे करेंगे, क्योंकि जब से इन्होंने ये ऑप्शन दिया था ना अपनी टीम वालों को कि देश चुनो या आईपीएल चुनो, कसम से ये दो कौड़ी का ऑप्शन था, मेरे को बिल्कुल तब से विश्वास नहीं था कि साउथ अफ्रीका वाले अपने प्लेयर को भेजेंगे। बट कहीं ना कहीं अब 90% क्लियर है कि साउथ अफ्रीका वाले थोड़ी सी अपनी कमजोर टीम उतारने को देख रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ, जिससे जो उनके मेन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल के लिए रिलीज हो जाएं। तो फिलहाल तो सारे गिले शिकवों को भूल के यही कहना होगा कि थैंक यू, क्योंकि आपने हमारी भावनाओं को समझा, हमारे फैंस की भावनाओं को समझा, आपके बोर्ड की उम्र लंबी हो। बाकी आप चलते हैं अपने आज के क्रिकेट स्टार की तरफ, जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वार, जिनका नाम है मोहित मिश्रा, और वो पूछते हैं जोशी सर आपको क्या लगता है कि केकेआर को आरोन फिंच को कैप्टन बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी कैप्टेंसी में ही ऑस्ट्रेलिया को 2021 का T20 वर्ल्ड कप जितवाया है, और एक बात क्या आप श्रेयस अय्यर को वेंकटेश अय्यर के साथ ओपनिंग करना ठीक होगा बताना जरूर। तो भाई जहां रही आपके पहले सवाल की बात, तो देखो आरोन फिंच को कप्तान इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि उनका कहीं ना कहीं यही फाइनल नहीं है कि वो सारे मैच खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे। बाकी बनाना भी श्रेयस अय्यर की जगह है तो क्यों ही बनाना, श्रेयस अय्यर एक अच्छे कप्तान है, आने वाले टाइम में उनको इंडिया का कप्तान देखा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि अभी हम आरोन फिंच को बना दें तो कोई दिक्कत नहीं है। आरोन फिंच ने भले ही ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिताया है मैं मानता हूं, पर जैसा मैंने कहा कि यहां पे कहीं ना कहीं पहली बात तो श्योर ही नहीं है कि आरोन फिंच सारे मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, और दूसरी बात वो इतने अच्छे फॉर्म में भी नहीं रहे हैं कि वो सारे के सारे मैच खेले, वो तो बिके तक नहीं थे आईपीएल में, ये तो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं, इसलिए श्रेयस अय्यर का बनना एकदम कंफर्म था और वही बने हैं। और जहां बात रही आपके दूसरे सवाल की श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर साथ में ओपनिंग कर सकते हैं, देखिए कर सकते हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तो कहूंगा नहीं करें कि दोनों जो उनके मेन ओपनर है अगर शुरू में ही कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएंगे तो भाई नीचे कौन देखेगा अच्छे से, इसलिए श्रेयस अय्यर फर्स्ट डाउन के एकदम प्योर प्लेयर है, वहीं उनको आने दीजिए, आरोन फिंच ओपनिंग कर लेंगे कप्तानी करने से अच्छा बस। तो भैया अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे, कमेंट में बताएं जो भी दिल में आता है बस बोले, और वीडियो पसंद आई तो ये जरूर कमेंट करा करें, अगर वीडियो पसंद आती कसम से बहुत बढ़िया लगता है और एकदम दिन बन जाता है मेरा। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।